यह वचन सुन के बाल बाई पहुंची धाय। प्रणहार आत्म संबंधी सुंदर साज। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह अपने सदगुरु के वचनों का पालन करते हुए मिहिरराज जी खेता भाई की जागनी के लिए अरब जाते हैं, किस प्रकार 5 वर्ष तक उन्हें वहां पर रहना पड़ता है, परमधाम का अंकुर न होने के कारण खेता भाई की जागृति नहीं होती है और धर्मयुक्त कमाई न होने के कारण उनका धन भी सुंदर साथ की सेवा में नहीं लग पाता है, किस प्रकार वहां का हाकिम शेख सालेह खेता भाई के गोदाम पर कब्जा कर लेता है, कैसे इराक के बादशाह के द्वारा वो न्याय पाने की उम्मीद में पहले भटकते हैं, किस तरह से वो मदद करता है, किस प्रकार बिहारी जी और श्याम जी जाते हैं और उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत धन बचा होता है वो भी पानी में चला जाता है, कैसे मिहिरराज जी अरब से लौटकर वापस भारतवर्ष आते हैं, देवचंद्र जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते, वहाँ से अपने भाई और भाभी के पास जाते हैं, 2 वर्ष के बाद भाभी का ताना सुन करके कैसे वे कल्ला जी के पास जाते हैं और किस प्रकार कल्ला जी के यहाँ पर 2 वर्ष और 8 महीने तक नौकरी करने के क्रम में उन्हें यह बोध होता है कि अगर दुनिया के छोटे छोटे राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने बिना बात के झुका जा सकता है तो सद्गुरु के सामने हमें झुकना ज़्यादा उचित है। और इधर किस प्रकार श्री देवचंद्र जी के धाम गमन का समय भी निकट आ रहा है, कैसे उन्होंने मिहिरराज जी को बुलाने के लिए बिहारी जी को 2 बार तथा बालबाई जी को भी भेजा हुआ है और जब 4थी बार पुनः ये कहा जाता है कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, तो आगे कहते हैं यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाय। बालबाई जी में सैकड़ों अवगुण भले ही हो लेकिन श्री देवचंद्र जी के प्रति पूरी आस्था थी, इसीलिए जैसे ही उन्होंने ये देखा कि मिहिरराज जी के न आने के कारण सद्गुरु महाराज इतने अधिक दुखी हैं कि वो अपना तन नहीं छोड़ पा रहे हैं, और होता क्या है, आप में से लगभग जिनकी उम्र 35-40 के आसपास है, इन लोगों ने, आप लोगों ने ये अनुभव अवश्य किया होगा कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो लेकिन शरीर न छूट पा रहा हो किसी कारण से तो बहुत अधिक तकलीफ होती है। वृद्धावस्था के कारण शरीर में न धैर्य रहता है, न इंद्रियों में शक्ति रहती है, इसलिए उस समय वो जो समय होता है बड़ा कष्टप्रद होता है। हाँ, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति उस कष्ट को भी राज्य की कृपा समझ करके देखता है दृष्टा भाव से, लेकिन यहाँ तो अवस्था कैसी थी कि इस कष्ट से निवृत्त होकर के जिस हृदय धाम में प्रवेश करना है वही दुखी है। तो देवचंद्र जी को इस बात का दुख था, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि मेरा शरीर छूट रहा है, क्योंकि श्यामा जी की आत्मा ये स्पष्ट रूप से जानती है कि ये जो संसार है वह नश्वर है, शरीर है नश्वर है और हम खेल देखने के लिए आए हैं। तो उसी जागने के क्रम में, ब्रह्मात्माओं को जगाने के क्रम में दूसरे जामे में, दूसरे तन में प्रवेश करना है, पर वो जो दूसरा घर है वही तैयार नहीं है। मिहिरराज जी का दिल दुख रहा है, तो जब ये बात सुनी बालबाई जी ने
तो जाते हैं मिहिर राज जी के पास जाके, कहते हैं मिहिर राज तुम्हें क्या हो गया है, इतनी बार बुलाने पर भी तुम नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है। मिहिर राज जी को अब बहुत जोर का झटका लगा, उनको लगा कि मुझसे तो अब तक किसी ने भी स्पष्ट रूप से ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। सभी ने ये कहा कि कवि कहते हैं सद्गुरु महाराज याद कर रहे हैं, कवि कहते हैं कि थोड़ी पीड़ा है शारीरिक, तो इस वजह से मैंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही ये बात सोची उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं सद्गुरु के चरणों में पहुंच जाऊंगा। अब उस कार्यभार को उन्होंने तुरंत ही छोड़ा और जिनके पास रह रहे थे उनके जिम्मे कर दिया कि अब ये आप जानिए और आपका काम जाने, अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार विक्रम संवत 1712 के सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वो आकर के श्री देवचंद्र जी से मिलते हैं। श्री महामती जी कह रहे हैं कि ये नौतनपुरी के बीतक है। श्री महामती कहे ए साथ जी ए नौतनपुरी के बीतक, याद करो इन समय को सो भान देऊं सब सब। अब आकर के मुलाकात की, श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। लगभग 74 वर्ष की अवस्था है और वैसे तो 74 वर्ष की उम्र बहुत अधिक नहीं होती है। कई बार आप देखते हैं कि 74 वर्ष की उम्र में भी लोग स्वस्थ दिखते हैं, 70 की उम्र में 52, 53, 55 जैसे दिखते हैं, लेकिन वो तब होता है जब सब कुछ नियमित हो, जब सब कुछ शरीर के अनुकूल कार्य किया हो। और देवचंद्र जी ने तो तप इतनी अधिक साधना की है, इतना अधिक तप किया है, उस शरीर से इतना अधिक परिश्रम किया है कि 74 वर्ष की अवस्था बहुत अधिक लगती है। सोचिए कि 16 वर्ष की उम्र से घर छोड़ करके निकले हैं, बाल्य अवस्था में भी अपने गांव में 3-3 घंटे की परिक्रमा देते रहे, 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके निकले और जहाँ गए भिन्न भिन्न संप्रदाय में उनके नियमों का पालन किया। हरिदास जी के पास पहुँचे तब भी पूरे 24 घंटे में केवल 3 घंटे आराम करना, तो उनका शरीर कहीं ना कहीं क्षीण होता जा रहा था। और जितना उन्होंने तप किया है, जितना उन्होंने अपने शरीर को तपाया है, उस हिसाब से देखा जाए तो 74 वर्ष की अवस्था बहुत अधिक है। तो ऐसी अवस्था में श्री देवचंद्र जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आँख बंद करके, मिहिर राज जी पहुँचते हैं, पहुँच करके प्रणाम करते हैं और जैसे ही पूछते हैं कि कौन है, कहते हैं कि मैं मिहिर राज की आत्मा आपको प्रणाम कर रही हूँ। जैसे मिहिर राज जी का नाम सुना तो उनके अंदर का सारा दुख समाप्त हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि मिहिर राज अभी तुम मैंने आपको बहुत अधिक याद किया है और बुलाने के लिए सुंदर साथ को भी भेजा, तो मिहिर राज जी ने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। यदि हमारे जैसे होते तो शायद अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहते कि सद्गुरु महाराज इन्होंने मुझसे ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, कुछ नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। उन्होंने कहा सद्गुरु महाराज कुछ लौकिक काम था जिसका बंधन मेरे ऊपर था और उसको मैंने किसी और के गले में डाल दिया है और अब मैं आया हूँ। और जैसे ही पहले तो मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी अवस्था ऐसी है तो मैं भागा भागा चला आया, मैं नहीं रुक पाया। श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि जो लौकिक काम की आप बात कर रहे हो, किसी और की जिम्मेदारी पर सौंप करके आए हो, तो क्या तुम्हें दोबारा जाना है लौट करके, या फिर अब रुक जाओगे, या फिर आप अब धर्म का काम करोगे, क्या करोगे? मैंने तो तुम्हें इसीलिए याद किया क्योंकि अब मुझे तुम्हारे ही हृदय में बैठ करके इस जागनी के कार्य को आगे बढ़ाना है।
तो अब आप बताओ कि आपके मन में क्या है। अब बहुत अच्छा हुआ कि आप चले आए, मेरे हृदय में अत्यंत सुख हुआ। मिहिरराज जी ने कहा कि अब मुझे लौट करके नहीं जाना है, अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। इस तरह से बातें करते करते भोजन का समय हुआ। अब भोजन का समय हुआ, जैसे ही श्री जी के सामने भोजन परोसा गया, उन्होंने बिहारी जी का सम्मान किया वहाँ पर, और बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी आप साथ में आइए, मेरे साथ भोजन कीजिए। अब बिहारी जी हैं, बिहारी जी और मिहिरराज जी के रहने की तुलना, उनके आचरण की, उनके व्यक्तित्व की जो तुलना है, वो यदि किसी एक उदाहरण से करना है तो हम केले और बेर का उदाहरण दे सकते हैं। बेर पता है ना आपको, छोटे छोटे दाने लगते हैं फल, उस पेड़ में कांटे बहुत होते हैं, है ना। और केला कैसा होता है, फल भी कोमल, वृक्ष भी कोमल और उसके पत्ते भी कोमल। जब केले के जो पत्ते हैं या जो केले का पेड़ होता है अपनी मस्ती में झूमता है हवा आकर के, यदि पास में गलती से अगर बेर का पेड़ हो तो क्या होगा, उसके कांटे से केले के पेड़ का जो अंग है वो क्षत विक्षत हो जाएगा, फट जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। बिहारी जी उस बेर के पेड़ की तरह है, जिसमें फल भी नहीं है, कम से कम पेड़ में तो फल होता है लेकिन बिहारी जी में तो कोई फल भी नहीं है। और मिहिरराज जी उस कदली वृक्ष के समान कोमल हृदय है। बिहारी जी ने स्पष्ट रूप से रूखे शब्दों में मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। मिहिरराज जी फिर से प्रार्थना करते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो उन्होंने अब देवचंद्र जी को कहा कि सद्गुरु महाराज, आप अगर आज्ञा दे तो हो सकता है कि बिहारी जी महाराज मेरे साथ में भोजन करेंगे। होना क्या चाहिए था कि जिसकी त्रुटि हो उसे झुकना चाहिए, जिसकी भूल हो उसे झुकना चाहिए, लेकिन मिहिरराज जी अपनी भूल न होने पर भी केवल इसीलिए कि ये सतगुरु पुत्र हैं, केवल इसीलिए कि अगर मेरे झुक जाने से रिश्ता सही होता है, संबंध हमारे ठीक हो जाते हैं, तो फिर मेरे झुकने में कोई हर्ज नहीं है। वे झुकते हैं, वे सामने से प्रस्तावित करते हैं कि साथ में भोजन किया जाए, लेकिन बिहारी जी नहीं माने। अब देवचंद्र जी ने दबाव दिया कि ये सखियों में क्या खटपट चल रही है, तुम आओ बैठो मिहिरराज जी के पास और भोजन करो। अब बिहारी जी वो सोच रहे हैं कि क्या पता पिताजी का अंतिम समय चल रहा है, तो इसलिए इनकी अंतिम इच्छा समझ करके भी बैठ जाता हूँ, यही सोचा होगा उन्होंने, और बैठ गए। अब बैठ तो गए लेकिन दुष्टता तो अंदर से जा नहीं रही है, हृदय में जो भाव है वो व्यवहार से प्रकट हो ही जाता है। उन्होंने क्या किया, जिस थाली में भोजन रखा हुआ था उसको उन्होंने दो भाग में बांट दिया, थाली में ही दो भाग कर दिए, और फिर बिहारी जी ने अपने भाग में से खाया और मिहिरराज जी ने अपने भाग में से खाया। इस तरह औपचारिक रूप में बिहारी जी ने पिताजी की बात भी रखी और अपना जो अहंकार था उसको भी पोषित किया। अब इसके बाद ऐसी जो घटना हुई पहले दिन की, उसके बाद 22 दिनों तक मिहिरराज जी सद्गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हैं, और उन 22 दिनों में जो कुछ भी हिदायत देनी होती है, जितना मार्गदर्शन देना होता है, वो सब दे करके, जागनी के भविष्य की बात बता करके, और 22 दिन के बाद अब देवचंद्र जी का तन छूट जाता है। देवचंद्र जी इस पार्थिव शरीर को छोड़कर उस हृदय में विराजमान युगल स्वरूप अब मिहिरराज जी के हृदय धाम में विराजित हो जाते हैं।
अब सदगुरु महाराज जाहिरी तन से ओझल हो चुके हैं और उस समय वाणी तो अवतरित नहीं थी। वाणी अवतरित तो होती और सुंदर साथ पढ़ते तो शायद समझ होती, लेकिन वाणी न होने के कारण सुंदर साथ ने क्या सोचा कि राज जी हमें छोड़कर परमधाम चले गए। धीरे धीरे माया का प्रभाव सब में छा गया। वैसे तो वाणी का कथन है कि 313 ब्रह्मात्माओं की जागनी हुई थी देवचंद्र जी के तन से। अब उनमें से लगभग सभी माया में मस्त हो जाते हैं, लगभग सभी, क्योंकि मिहिर राज जी भी तो उन्हीं 313 में होंगी, इसलिए मैंने सभी नहीं कहा। अब जिस स्थान पर देवचंद्र जी विराजमान थे वो स्थान खाली है, ये बात मिहिर राज जी भी सोचते हैं, ये बात बालबाई जी भी सोचती हैं, बिहारी जी तो सोचते ही होंगे। बालबाई जी ने आकर के अब कुछ दिनों के बाद मिहिर राज जी के घर में ये प्रस्ताव रखा, इस बात का विचार विमर्श किया कि आगे क्या करना है। देवचंद्र जी की गादी तो बहुत ही महिमावान है और उसको खाली कैसे रखा जाए, इसलिए राज जी का हुक्म समझते हुए उस गादी पर किसी को बैठाया जाए। अगर उस जगह को खाली छोड़ा जाता है तो क्या होगा, कोई नहीं आएगा। अभी तो एक दो दिन में धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कोई भी नहीं आएगा और किसी का भी संबंध परमधाम के साथ नहीं रहेगा। और जब उस गाड़ी पर बैठा नहीं है किसी को तो फिर आप ही बताइए किसको रखा जाए। अब ये तरीका है, इनको पता है कि मिहिर राज जी स्वयं ये तो नहीं कहेंगे कि मैं गाड़ी पर बैठूंगा, उन्हें पता है कि वह सामने से बिहारी जी के लिए ही कहेंगे, बिहारी जी की ही बात रखेंगे। फिर भी उन्होंने थोड़ी तो अपन बीजारोपण कर ही दिया थोड़ा सा कि देखो अगर नस्ल की निस्बत देखी जाए, मतलब वंश परंपरा में देखा जाए, रक्त संबंध को देखा जाए, तो सदगुरु महाराज के पुत्र होने के नाते बिहारी जी सिरदार हैं। मिहिराज जी कहते नहीं, यही उचित है, उन्हें ही गादी पर बैठाना चाहिए और हम सब सुंदर साथ को मिल करके ये काम करना चाहिए। और उन्हें ये भी पता है कि सुंदर साथ इसे स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कि पाल भाई जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब सुंदर साथ को बुलाते हैं, मैं स्वयं आगे बढ़ करके उन्हें गादी पर बैठाऊंगा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा और जब मैं करूंगा तब सब सुंदर साथ को भी करना ही पड़ेगा। अब बाल भाई जी प्रसन्न चित्त वहाँ से लौटती हैं, एक दिन समय निश्चित करके सब सुंदर साथ के पास खबर पहुँचाई जाती है और उस दिन बिहारी जी का गादी अभिषेक होता है। बिहारी जी को उस गादी पर बैठाया जाता है और फिर मिहिरराज जी स्वयं उन्हें प्रणाम करते हैं और सबसे आगे बैठते हैं। इस तरह से अब पुनः उस घर में आनंद होने लगता है, सुंदर साथ का आगमन होने लगता है। विक्रम संवत 1712 आसो का महीना, अश्विन का महीना, सब सुंदर साथ तक बात पहुंची, सबको बुलाया। बिहारी जी को गादी पर बैठाने से पहले मिहिरराज जी ने चर्चा की और चर्चा करके जिनके मन में जो भी भ्रांतियां थी खंडित की और अब उनका गादी अभिषेक हो चुका है। सुबह शाम सबको प्रणाम करने आना आवश्यक है, जरूरी है। इस तरह से सुंदर साथ आने लगते हैं। शुरू शुरू में उत्सव रसोई होता है, कीर्तन गाए जाते हैं, कीर्तन अर्थात वाणी का अवतरण नहीं हुआ पर उस समय भजन के रूप में जो भी रचनाएं होंगी या श्री देवचंद्र जी ने जो भी उस समय सुंदर साथ को समझाया होगा उसी आधार पर जो कुछ कीर्तन वगैरह गाए जाते हैं, भजन इत्यादि। इस प्रकार मिहिर राज जी ने
अग्रगण्य बन करके बिहारी जी को गादी पर बैठा करके जागनी के कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। सुंदर साथ आते हैं, बिहारी जी से चर्चा तो सुनते हैं, लेकिन बिहारी जी के पास सुनाने को क्या है? कुछ भी नहीं। और मिहिरराज जी के पास क्या है? जो उन्होंने श्री देवचंद्र जी से सुना है उसको ग्रहण किया है। तो जो चर्चा थी उस चर्चा को दोहराते हैं सुंदर साथ के सामने। क्या कह रहे हैं? चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना न देखावे और। मिहिरराज जी की चर्चा में परम धाम और सुंदर साथ के अलावा, राज्य के अलावा और कोई बात नहीं होती। और इसके विपरीत बिहारी जी की चर्चा में दुनिया के किस्से, कहानियाँ, जितना वो कह सकते थे समय लंबा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उसी तरह से। ऐसे ही जब मिहिरराज जी चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते उनके हृदय में भी वो रहस्य खोलने लगते हैं श्री राज्य की कृपा से, कि हम परम धाम में बैठे हैं और राज्य से हम कितने नजदीक हैं। कहते हैं, यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर जामी, अंदर के आंकड़े, अंदर के रहस्य खोलने लगते हैं और उन्हें ये समझ में आने लगता है कि हम तो हैं धाम में, एक खेल नहीं रंचक, हम सहरग से नजीक बैठे आगे हक। हम तो राज्य के सामने बैठे हैं, वो भी कितने नज़दीक, प्राण नली से भी नज़दीक। राज्य कहीं बाहर नहीं है, दूर नहीं है। इसलिए देवचंद्र जी का तन अगर छूटा भी है तब भी राज जी तो हमारे हृदय में है। अब ये बात उन्हें समझ में आने लगती है कि हम परम धाम के नज़दीक हैं और इस रहस्य को उन्हें सुंदर साथ के सामने खोलना है। तो वो और अधिक चर्चा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सुंदर साथ को अधिक से अधिक चर्चा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुंदर साथ का समय लेना पड़ेगा, और सुंदर साथ का समय तो तब मिल पाएगा ना जब सुंदर साथ के पास और कोई काम नहीं होगा, और वो तब होगा जब हम सुंदर साथ की सारी व्यवस्था करेंगे, भोजन, वस्त्र, शयन इत्यादि सारी व्यवस्था करेंगे। सुंदर साथ को किसी बात की चिंता नहीं होगी तो वो निश्चिंत होकर के चर्चा सुन सकेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे साथ साथ में, जागनी के साथ साथ में थोड़ा धन कमा करके माया का काम भी करना है, माया की सेवा भी करनी है। तो वहाँ से जो भी मैं कमाऊँगा उससे मैं सुंदर साथ की सेवा करूँगा। अब वे मंत्री के पास जाते हैं और जाकर के उनके सचिव का कार्य करते हैं, आज के हिसाब से कहा जाए तो सेक्रेटरी का, IAS की सर्विस होती है ना एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो वो सर्विस, वो सेवा वो लेते हैं, वो काम लेते हैं और इस तरह से अब माया का काम करने लगते हैं। लेकिन वो केवल माया का काम नहीं करते। आज हम छोटा सा अगर काम करते हैं तब भी किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा है, हमें चितवनी करने का समय नहीं मिलता है, हमें चर्चा सुनने का समय नहीं मिलता है, सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते। अब मिहिरराज जी के पास भी उतने ही दिन हैं और हमसे ज़्यादा बड़ी सेवा है उनकी। वो तो सुंदर साथ की को चर्चा भी सुनाते हैं, बिहारी जी के पास आकर के दोनों समय दर्शन भी करते हैं, पर वो मैनेज कैसे करते हैं? क्या कहते हैं? उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवर दिगार। बिहारी जी के पास आकर उनके द्वारा चर्चा सुनते हैं, वो भी कब उठते हैं? उठे पिछली रात को, अर्थात रात बीतने से पहले ही। आजकल तो धीरे धीरे करके लोगों की दिनचर्या बदलती जा रही है, सूरज जब सिर पर चढ़ रहा होता है तब धीरे धीरे उठ रहे होते हैं, और शहरों में विशेषकर ये विकृति आ चुकी है कि रात को बहुत ज़्यादा देर तक जाग करके सुबह 12-12 बजे तक उठते हैं। चलो मान लो कि कुछ काम किया ज़रूरी, या थोड़ी देर तक पढ़ाई वगैरह की, कंपटीशन का ज़माना है तो 6:30 बजे 7 बजे तक उठे वो भी समझ में आता है। लेकिन कई बार हम कार्यक्रमों में जाते हैं ना, सुंदर साथ के घर में ठहरना होता है तो उनके घर के बच्चे देखते हैं 11 बजे तक आँख मल करके बाहर आ रहे होते हैं, आधी नींद में होते हैं, जबकि सामान्य
नियम के हिसाब से 11 बजे तक तो आधा दिन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उनकी गुड मॉर्निंग हो रही होती है। तो ऐसे तो मैनेज नहीं हो पाता है। जो काम रात को जग करके सुबह देरी से उठ करके किया जा सकता है, उसी काम को करने के लिए रात को समय पर सोया जाए और सुबह थोड़ा जल्दी उठा जाए तो क्या होगा, दिनचर्या भी सही रहेगी, आपका शरीर भी सही रहेगा, सब कुछ प्राकृतिक रूप से होगा। अन्यथा क्या होता है, रात को ज़्यादा जगने से लीवर की खराबी से लेकर के बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है और आजकल जो गंभीर गंभीर बीमारियां शरीर में दिखाई पड़ती है, किडनी से लेकर के हार्ट से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के डायबिटीज, इन सब का जो कारण है वो है अनियमित दिनचर्या, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा देर तक जगते हैं और फिर बहुत देर तक सोते रहते हैं। मिहिर राज जी उठते हैं लगभग 4:30 बजे के समय में पिछली रात को, और आकर के बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हैं, अपनी नित्यक्रिया भी तो करनी ही पड़ती है, फिर अपने घर से बिहारी जी के पास आते हैं, उनसे दर्शन करके थोड़ी देर चर्चा सुन के दरबार जाते हैं, दिन भर दरबार का काम करके शाम को आते हैं और फिर बिहारी जी से मिलते हैं, उनसे चर्चा सुनते हैं, उसके बाद सुंदर साहब के साथ एकांत में बैठ करके उन्हें चर्चा सुनाते हैं और क्या करते हैं, तहां चितवनी धाम की करत है सब कोए, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। सुबह 4:30 बजे उठ करके सारी काम करके बिहारी जी से चर्चा सुन के जाते हैं, शाम को 4:30 बजे तक पुनः चितवनी के लिए सुंदर साथ को की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं, और इस तरह से ये दोनों समय की दिनचर्या होती है। अब एक सुंदर साथ को वो साथ में रखते हैं सेवा के लिए, उनका नाम है कानजी भाई। कानजी भाई का नाम आप बार बार सुनेंगे। वैसे तो सभी सुंदर साथ की सेवा का अपना महत्व है, पर जब कानजी भाई की बात कर रहे हैं, किसी की सेवा की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, सबको राज जी ने अपने अपनी शोभा दी है, लेकिन कानजी भाई की सेवा अपने आप में महान है, मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं। जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई, उन्होंने ये कहा कि अगर 1000 कानजी भाई भी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक श्रीजी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, और श्रीजी को अहमदाबाद से निकालने के लिए उन्होंने स्वयं अपने प्राण की बाजी लगाई। जहां भी श्रीजी ने भेजा हर सेवा में वो फिट होते हैं। बाकी तो बहुत सारे ब्रह्म मुनियों की अलग अलग सेवा है ना, कोई ज्ञान की सेवा कर रहा है तो ज्ञान की ही सेवा कर रहा है, कोई धन की सेवा कर रहा है तो उनका नाम धन की सेवा में है, लेकिन कानजी भाई का नाम भिन्न भिन्न प्रसंग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न सेवा में है। यहाँ अभी मैनेजमेंट की सेवा कर रहे हैं तो कहीं वो संदेश वाहक बनकर के चिट्ठी पहुँचा रहे हैं, कभी वो औरंगजेब के दरबारियों के पास रुक्का पहुँचा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा। तो हर सेवा में वो फिट होते हैं। वास्तव में सेवादार को ऐसा ही होना चाहिए, जो सेवा करने वाला सुंदर साथ है उसको अकड़ूराम नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी तो सेवा यही है, मैं तो यही करूंगा, मैं दूसरी सेवा क्यों करूं, वो सेवा है तो कोई और करे। हमें सेवा के हिसाब से एडजस्ट होना होता है, सेवा को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना होता है। तो उन कानजी भाई को मिहिरराज जी सेवा में शामिल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कानजी भाई आपको कोई चिंता नहीं करनी है, करना क्या है, बिहारी जी को अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण तैयार करने हैं बिहारी जी के लिए, उनके साले साहब हैं नागजी भाई, उनको हथियार रखने का शौक है, तलवार कटार इत्यादि का, तो उन्हें क्या करना है, सोने की मुठ वाली कटार बना करके उन्हें देनी है, और बिहारी जी की धर्मपत्नी को भी ऐसे ही राजसी वस्त्र तैयार करना है, बाकी सब सुंदर साथ के लिए भोजन वस्त्र इत्यादि की सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है, कहते हैं माया मिने बैठ के लाह लेने। अब मुझे लगता है
कि सेवा को अपने हृदय में बसाने के लिए चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। माया मिने बैठ के लाहा लेने अब धाम में जाके पीछे एह न होवे का। परम धाम में सेवा नहीं है, परम धाम में सेवा है ही नहीं, परम धाम में तो लीला है, क्योंकि वहां कोई कमी ही नहीं है। सेवा तो तब होगी ना जहां पर कोई अभाव हो, जहां पर कोई प्रयास करना पड़े कुछ करने के लिए, वहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो सेवा धर्म यहां पर है, और सेवा धर्म कैसा होता है, कहते हैं सेवा धर्म परम गहनम योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म परम गहन है, गहन मतलब इतना गहरा है कि योगी भी सेवा नहीं कर सकते। किसी गुफा में जाकर के ध्यान कर लेना सरल है, हिमालय पर जाकर के तप कर लेना सरल है, पर सेवा धर्म निभाना, सेवा रूपी योग करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सेवा करते करते क्या हुआ, मिहिरराज जी की अवस्था देख लीजिए। मिहिरराज जी को जेल क्यों जाना पड़ा, सेवा के कारण ही तो। कानजी भाई को कष्ट क्यों हुआ, सेवा के कारण। और जो हिमालय पर जाकर के तप कर रहे हैं, वहाँ शरीर को तो कष्ट हो रहा है, समझ में आ सकता है, लेकिन सेवादार की तरह कष्ट किसी को भी नहीं होता है। क्योंकि अहंकार को धीरे धीरे करके सामने मरता हुआ देखते हैं, और उसे देख करके खुश होना पड़ता है कि हमारा अहम समाप्त हो रहा है। और परमधाम में ये सब संभव नहीं है। जब हम परमधाम में जागृत होंगे, वहाँ ढूंढ करके भी सेवा नहीं मिलेगी, वहाँ तो लीला है। जैसे भोजन की वहाँ पर बात करते हैं, तो वहाँ भोजन की तो लीला होती है ना। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि परिश्रम कर रहे हैं और थक रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, धुएं की वजह से आँखों में जलन हो रहा है, और इस प्रकार का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ ऐसा भी नहीं है कि राज्य को भोजन बनाने के लिए हमें कुछ बोना पड़े, खेतों में परिश्रम करके अनाज उगानी पड़े, ऐसा भी नहीं है। वहाँ ये भी नहीं है कि किसी जगह पर कार्यक्रम लगाना है, रसोई की सेवा देनी है आज दिन की, तो हमें छः महीने के लिए अपनी दिनचर्या एडजस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए सेवा का लाभ कहाँ पर लेना है, यहाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में माया मिने बैठ के लाहा लेने अभी हम सेवा का लाभ ले सकते हैं, परम धाम में नहीं। और सेवा कैसे करनी है, कहते हैं तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। सेवा कैसे करनी है, जैसे लूट होती है ना, लूट होती है तो क्या करते हैं, लुटेरे जब लूटने के लिए जाते हैं तो वहां गिनते हैं क्या, गिनते हैं? मान लो कि कोई चोर गए हैं किसी के घर पे चोरी करने के लिए, तो आलमारी वालमारी खुलाई, उसके बाद में धन मिला, तो कहते अच्छा थोड़ी देर रुको, गिनते हैं पहले 1 2 3, ऐसा तो नहीं होता है ना। वहां क्या होता है, जितना मिल रहा है भर लो और उसके बाद भागो, ऐसा ही होता है ना। सेवा भी ऐसे करनी है, हम तो गिनते हैं ना, सेवा करते हुए गिनते हैं कि आज हमने इतने घंटे सेवा की, ठीक है। तो यहाँ लूट करने का मतलब ये है कि गिनना नहीं है, जैसे लुटेरा व्यक्ति धन लूटते समय गिनता नहीं है, जितना भर सकता है वो भर करके भागने की कोशिश करता है लालच की वजह से, इसी तरह से सेवा की भी लालच करनी है, लूट करनी है, गिनकर सेवा नहीं करनी है कि आज हमने इतनी सेवा की, हम इतने दिन से सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है, गुरुजी 15 दिन हो गए दूध निकालने की सेवा है, कल से हम नहीं कर पाएंगे, बदल दीजिए, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। किसी भी सेवा के विषय में, किसी भी सेवा के, एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं, सबका ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जीव है वो बोर हो जाता है, क्योंकि हम अभी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अभी काम कर रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को एक ही सेवा नियमित रूप से लंबे समय तक करने को कहा जाए तो हम बोर हो जाते हैं, जबकि अगर हम सेवा कर रहे होते तो बोर होने का सवाल ही नहीं होता, फिर हम वहाँ गिन नहीं रहे होते हैं कि इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा करते हुए इतने दिन हो गए, नहीं, हम तो लूट रहे होते।
एक हाथ से नहीं दो हाथ से लूट रहे होते कि ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। और आज राज्य की कृपा से धीरे धीरे ऐसे भी सुंदर सात देखने को मिलते हैं। अभी कुछ साहित्य का काम चल रहा है तो मैंने एक सुंदर सात को कुछ चर्चाएं दी कि सुंदर सात जी इस चर्चा को टाइपिंग करके दे देना है। उन्होंने टाइपिंग करके दे दी। फिर एक और माता जी हैं उन्हें भी इसी तरह से सेवा के लिए दी। तो एक की सेवा में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, दूसरी सुंदर सात को बोला कि आप इसको दोबारा टाइप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कब तक चाहिए, हमने कहा जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी का मतलब एक दो दिन में हो जाए तो अच्छी बात है, अब दिन निश्चित करना ठीक नहीं है क्योंकि बेचारी माया का काम भी करते हैं, जॉब वगैरह भी करते हैं, घर भी संभालते हैं। और उन्होंने रात के लगभग 1:30-2 बजे तक जाग करके उसी रात को सारी सेवा करके भेज दी। तो कभी कभी ऐसे सेवादारों को देख करके हम भी मोटिवेट होते हैं, हम भी प्रेरित होते हैं, हमारे अंदर भी वो उत्साह आता है कि जब सुंदर साथ गृहस्थ में रह करके परिवार को पालते हुए और अपनी नौकरी का काम करते हुए भी सेवा के लिए समय निकाल रहे हैं, तो हमने तो सेवा के लिए ही अपना घर छोड़ा है, हमने तो सेवा के लिए ही अपना जीवन समर्पित होने की बात की है जुबान से। हम यही तो कहते हैं ना कि हम यहाँ पर सेवा के लिए आए, हम यहाँ पर विद्वान बनकर के राज्य की सेवा करने के लिए आए हैं, यदि जिस काम के लिए आए हैं वही नहीं किया तो फिर कोई लाभ नहीं है ना। तो इसलिए हमें भी सेवा की लूट करनी है। और सुंदर सात की सेवा कैसे करनी है, कहते हैं तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। सुंदर साथ से परम धाम का संबंध जान करके प्रेम करना है और प्रेम से सेवा करनी है, ये सोच करके कि माया में लाभ लेने का एकमात्र तरीका है सेवा। और कहते हैं एह अजमाइस साथ की करत हक सुभान, मोमिन की माया मिने होत है पहचान। सुंदर साथ की पहचान माया में कैसे होती है, सेवा देख करके कि सेवा कर पाते कि नहीं कर पाते। और इस तरह से ये सब बात सुन करके सोच करके मिहिरराज जी ने कांजी भाई को समझाया और ये कहा कि देखो तुम अपनी हाथ की चालाकी दिखाओ लेकिन कंजूसी करने में नहीं, बांटने में, सेवा करने में, देने में, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। भविष्य का भी नहीं सोचना है कि कहीं कमी तो नहीं आएगी, कमी नहीं आती है वास्तव में देखा जाए तो। और ये बात मैंने महसूस की है इतने वर्षों में ज्ञानपीठ में रहते हुए, मैंने किसी प्रवक्ता के द्वारा एक बात सुनी थी कि धाम धनी दरबार में कमी काहू की नाही, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाही। राज्य के दरबार में कभी कोई कमी नहीं होती है पर हमारे नियत में कहीं ना कहीं कमी होती है, इसलिए हम पाते नहीं। अभी यहाँ मिहिरराज जी के साथ ये घटित हो रहा है, हमने बड़े महाराज जी की बीतक में भी सुना है कि जो सुंदर साथ भंडारे में आते थे देश के विभिन्न कोनों से, अगर आश्रम में धन का अभाव भी होता था, गोदाम में अनाज इत्यादि का अभाव भी दिखता था, तब भी महाराज जी कहते थे कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अंदर देखना नहीं है और आपको देते रहना है, गिनना नहीं है कि कितना सामान है और आपको देते रहना है और कमी नहीं आएगी। और सच में कमी नहीं आती थी इतने वर्षों में ज्ञानपीठ में। हर वर्ष वार्षिक उत्सव से पहले कोई ना कोई काम होता है और दो काम विशेष रूप से होते हैं, एक कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है और दूसरा नए साहित्यों के प्रकाशन का काम होता है। अब क्योंकि हमारी तो आय भी बहुत सीमित है, सुंदर साथ की संख्या भी इतनी अधिक तो है नहीं और जितने सुंदर साथ जुड़े हैं वो भी कोई अरबोंपति नहीं है कि स्वामी जी आप साहित्य छापिए, चिंता मत कीजिए, इस वर्ष के सारे साहित्य की सेवा हम कर देते हैं, ऐसा भी कोई सुंदर साथ नहीं। सबकी थोड़ी थोड़ी सेवा से, सबके थोड़े थोड़े योगदान से चलता है, लेकिन जो भी सुंदर साथ कार्यालय में सेवा करने वाले होते हैं सबके मन में कहीं ना कहीं चिंता होती है कि सुंदर साथ आने वाला है, वार्षिक उत्सव आने वाला है और इस वार्षिक उत्सव में
मान लीजिए 5,000 सुंदर साथ के आने की संभावना है, तो आवास के लिए इतना कंस्ट्रक्शन होना है, इतना टेंट इत्यादि की व्यवस्था करनी है, 10 किताबें नई छप रही हैं, तो अगर 10 किताबों का हिसाब लगाया जाए तो औसत लगभग 15 लाख रुपए तो केवल साहित्य छापने में लगते हैं, कंस्ट्रक्शन का अलग। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते हैं हो जाएगा, आपको करते रहना है। और बिना इधर उधर ध्यान दिए सब सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा करते हैं। वार्षिक उत्सव से पहले कंस्ट्रक्शन भी सारा हो जाता है, साहित्य भी सारा का सारा आ जाता है, समय पर विमोचन हो जाता है, सुंदर साथ को लाभ मिलता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता है कि ये कैसे संपन्न हुआ। ये सब राज्य की कृपा से और सही नीयत से होता है। यदि हमारे नीयत में खोट नहीं है, हम सुंदर साथ के कल्याण की भावना से बिना और परिणाम की चिंता की अगर करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सुंदर साथ के हृदय में बैठ करके प्रेरणा देते ही रहते हैं। और ये आज एक बार की बात नहीं, दो बार की बात नहीं, पिछले 18 वर्षों में हर वर्ष ऐसा होता आया है, जो कि मैं देखते आया हूँ। तो ये सारी बातें जो सेवा से संबंधित थी कांजी भाई को समझाया जाता है। अब कांजी भाई भी वैसे ही है, कांजी भाई के मन में वैसे ही सेवा की इच्छा है। तो एक तो सुंदर साथ जो सच्चा है उसको सेवा की इच्छा होती ही है। कहते हैं एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म। एक तो सुंदर साथ है और दूसरा सेवा का हुक्म मिला है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे सेवा के लिए खर्च करना है। तो पूरे उमंग के साथ में अब वो सेवा करने लगते हैं। जो जो भी मिहिरराज जी का आदेश होता है, नागजी भाई के हथियार से लेकर के बिहारी जी के वस्त्र आभूषण से लेकर के सब सुंदर साथ के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, अनाज वगैरह सब खरीद करके घी, शक्कर, मैदा, आटा, जो कुछ भी था खरीद करके मिहिरराज जी के घर में अब जमा करने लगते हैं, ताकि अब सुंदर साथ का बुलाना प्रारंभ किया जा सके। अब ये सारी बातें होती रहती हैं, तो धाम के धनिश्री बिहारी जी महाराज के मन में ये बात आती है कि अगर सुंदर साथ को पता चला कि ये सब कुछ करने वाले हैं मिहिरराज जी, मेरी गादी को खतरा है। ये बात मैं बार बार कहता आया हूँ, इससे पहले भी मैंने किसी समय विद्यार्थियों को कहा था कि अयोग्य व्यक्ति को यदि कोई वस्तु मिलती है उसकी योग्यता के बाहर, तो उसे हमेशा उस वस्तु, उस पद या उस प्रतिष्ठा के छीने जाने का डर बना रहता है, हमेशा ऐसा होता है। कंस अयोग्य था, छल पूर्वक उसने वहां की राजगद्दी हड़प ली थी, इसलिए उसके मन में डर बना रहता था कि कोई मुझे मार करके मेरी गादी हड़प लेगा। धनानंद अयोग्य था, उसने छल पूर्वक उस समय के राजा का की हत्या करके राज सत्ता हथियाई थी, तो उसके मन में भी ये डर रहता था कि प्रजा कहीं विद्रोह ना कर दे, इसलिए कहीं भी ऐसी बात होती थी तो तुरंत प्रजा को दंडित करता था, सताता था। और ये घटना हमेशा की रही है। ज्ञान, ये तो सत्ता के क्षेत्र की बात हो गई, ज्ञान के क्षेत्र में भी जो अयोग्य व्यक्ति किसी न किसी साधन से गादी पर बैठे हैं, सिर्फ बिहारी जी की बात नहीं है, बिहारी जी के बाद भी कई बिहारी जी हुए होंगे, और हमारे संप्रदाय में ही नहीं, दुनिया के और अलग अलग संप्रदायों में भी पहले के जो गुरु रहे हैं उन गुरु की किसी कमजोरी का लाभ उठा करके अगर कोई व्यक्ति गादी पर बैठता है तो क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति की गादी पर बैठने पर उस व्यक्ति को ये डर बना रहता है कि कोई मुझे हटा देगा। इसलिए अगर वह गादी अध्यात्म से संबंधित है तो वो अलग ही अपने नए नए नियम बनाने लगता है धर्म और अध्यात्म के नाम पर। अगर सत्ता से संबंधित है तब भी वो अलग अलग नियम कायदे कानून बनाने लगता है। और इसी प्रकार की घटना देश विदेश में होती रही है। चाहे युगांडा के बादशाह इदी अमीन को ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग को ले लीजिए, चाहे आप औरंगजेब को ले लीजिए, इन सब ने गलत तरीके से उचित योग्यता के न होने के बाद भी वो पद
अथवा वो स्थान प्राप्त किया और इसीलिए उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता था और वो उस डर के साए में ही जीते हैं। औरंगजेब भी कभी ढंग से नहीं सो पाता क्योंकि उसको पता है कि कोई भी कभी भी विद्रोह कर सकता है। इसके विपरीत शिवाजी की अवस्था वैसी नहीं है, भले ही राज्य छोटा हो लेकिन उनको नींद सुकून की आती होगी क्योंकि उनको विश्वास था कि कोई भी प्रजा में से तो मेरी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा और औरंगजेब को तो खुद के भाइयों से खतरा था। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। बिहार जी ने देखा कि अगर मिहिरराज जी अपनी योजना में सफल होते हैं तो सुंदर सात के मन में किसकी प्रतिष्ठा होगी? मिहिरराज जी की। इसीलिए उन्होंने चुगली कर दी और वो चुगली पहुंची मंत्री के पास। ये बात पहुंचाई गई कि इन्होंने शाही खजाने के धन का दुरुपयोग किया है और अपना घर भरा है। अब जितने भी सत्ता से संबंधित लोग होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं, राजा वगैरह विशेष रूप से। और कान के कच्चे क्यों होते हैं? लापरवाही के कारण। कान का पक्का उसको होना पड़ता है जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, जो गंभीर हो अपनी जिम्मेदारी को लेकर के, जो अपने एक एक निर्णय के विषय में सोचता हो कि मुझसे कुछ गलत ना हो, उसको कान का पक्का होना होता है। लेकिन राजा, मैंने कल भी कहा था कि उस समय के तो जो राजा थे वो प्रजा का खून चूसने के लिए ही थे विशेष रूप से, तो इसीलिए उनको किसी बात का डर तो था नहीं। वो किसके प्रति जवाबदेह थे? अगर राजा से गलती भी हो जाती तो पूछने वाला कौन था? इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं कि गलती भी हो जाए तो कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं। इसीलिए अब उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मिहिरराज जी को अपने दो भाइयों के साथ में पकड़ करके अपने घर में नजरबंद में लगा दिया। जितनी वस्तुएं थी, जितनी सामग्रियां इकट्ठी हुई थी मिहिरराज जी के घर में, वो सारे सरकारी खजाने में लेकर के गए। और इतने में क्या हो गया, ये बात है संवत 1714 की। और इधर कुतुब खान जो है, कुतुब खान ने गुजरात पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण से पहले संधि के लिए जो वजीर था जामनगर का, वो गया कुतुब खान से मिलने के लिए कि यहाँ पर हमला ना करे, जो भी कर टैक्स वगैरह देना है वो हम देंगे, तो इसलिए वो चले गए। अब निर्णय करने वाला कौन था, मुकदमा आगे बढ़ाने वाला कौन था, मिहिरराज जी की सुनवाई करने वाला कौन था? कोई नहीं। तो इसलिए अब उनको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जेल में नहीं है। कभी कभी क्या, लगभग अधिकांश सुंदर सात को यही भ्रम है कि मिहिरराज जी को जेल में डाल दिया गया था। हम भी पहले यही मान करके चल रहे थे क्योंकि कभी कभी परंपरागत रूप से सुनी सुनाई बात मन में होती है। वास्तव में जेल में नहीं है, चौपाई तो क्या कह रही है, तब वजीर ने ले के बैठाए अपने घर। वजीर ने मिहिरराज जी को कहाँ बैठाया? अपने घर पर बैठाया। और उनको अपने घर पर बैठाने का कारण क्या था, आप जान सकते हैं। देखिए, दो तरह के कैदी होते हैं, एक होते हैं सामान्य जनता और एक होते हैं राजनैतिक कैदी। जो राजनैतिक कैदी होते हैं उनको जेल में नहीं डाला जाता, उनको पहले नज़रबंद में रखा जाता है। सामान्य जनता के लिए होती है कस्टडी, हिरासत। जैसे अभी कुछ समय पहले भारतवर्ष में जो धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तो उस समय वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे उनको उन्हीं के घर में नज़रबंद में रखा गया था, है कि नहीं, ताकि कोई दंगा वगैरह ना भड़काए। जेल में तो नहीं डाल दिया गया था ना। तो इसी तरह से मिहिरराज जी भी राजनीतिक कैदी हैं अब, इसलिए उन्हें घर पर रखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर घर पर रखा होता तो इतना विरह क्यों करते? दुख तो किसी जगह से संबंधित थोड़ी है, दुख तो आरोप से संबंधित है कि नहीं। दुख किस बात का है मिहिरराज जी को, कि चोरी का आरोप लगाया गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर स्थान से संबंधित हो, मान लीजिए कि आज भी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, इधर अंडमान निकोबार की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो अंग्रेजों के समय के जेल थे आज भी हैं, लोग जाते हैं जेल के अंदर घुसते हैं और बाहर से फोटो खिंचवाते हैं,
बोलते हैं अपने मित्रों से कि फोटो खींच दो, बाद में सोशल मीडिया में डालते हैं। किस में है वो लोग? जेल में है, लेकिन उसको वो मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं। तो जेल में जाना बुरा थोड़ी हुआ, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर भी है और उसको कहा जाए कि तुमने चोरी की है, बिना गलती के कहा जाए कि तुमने चोरी की और उसकी बात ही ना सुनी जाए, या उसको अपने कमरे में ही रखा जाए, कमरे में सारा भोजन वगैरह दे दिया जाए, पहुंचाया जाए, अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाया जाए, लेकिन कहा जाए कि तुमने चोरी की है इसलिए तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, सुविधाएं सारी मिलेंगी। अब सारी सुविधाओं के मिलते हुए भी उसे दुख किस बात का है? चोरी के आरोप का। तो मिहिर राज जी को दुख इस बात का है कि उन पर बिना कुछ किए हुए भी चोरी का आरोप लगा है, और मन में इच्छा क्या थी? उनकी सेवा करने की। तो दुख इस बात का है कि जो उनकी योजना थी सुंदर साहब की सेवा की, वो सारी योजनाएं धराशायी हो गई, धरी की धरी हो गई। अब उस स्थान को प्रबोधपुरी भी कहा गया है और हबसा भी कहा गया है। हबसा क्यों कहा गया है? हबसा जो है वो उस जगह का नाम नहीं है जहां पर नजरबंद में है, उस जगह का नाम हबसा नहीं है, वो तो जामनगर है। हबसा किसको कहा जाता है? वर्तमान समय में एक देश है, उस देश का नाम है इथियोपिया। उस जगह को हब्स लिखा गया है। और एक कुरान में कथा आती है, एक कथानक है कि वहाँ जो हबसे का बादशाह था उनको मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे उन्होंने कुरान के 16वें पारे के आधार पर खुदा के कल के दिन आने की बात सुनाई थी और कुछ निशानियां बताई थी, जिसको सुन करके उसको विरह आया था और विरह में वो तड़पा था, फूट फूट करके रोया था। तो केवल वो समानता है, नजरबंद में मिहिर राज जी को विरह होता है और उधर जो इथियोपिया का बादशाह था जिसको हबसा कहा गया है उसको भी विरह होता है, तो समानता केवल विरह की है, इसलिए उस स्थान को हबसा कहा गया, विरह का स्थान होने के कारण। और उनकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है इसलिए उस स्थान को कहा गया प्रबोधपुरी। उनको प्रबुद्धत्व प्राप्त हुआ, ऐसा कह सकते हैं। प्रबोध होने का मतलब क्या है? पहचान हो जाना, समझ आ जाना। तो मिहिर राज जी को वहां पर अब राज जी की पहचान होती है, पूरी लीला उन्हें समझ में आती है। अब उसकी भूमिका कैसे है कि अब नजरबंद में है, जब नजरबंद में है तो उनके मन में ये भाव आता है कि हम तो धर्म का काम कर रहे थे, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? हमने न किसी का धन चुराया है, न किसी को डांटा है, न किसी को गाली दी है, किसी प्रकार का पाप नहीं किया है। मेरे मन में तो केवल यही उम्मीद थी कि सुंदर साथ को इकट्ठा किया जाए, उनको चर्चा सुना करके उनकी आत्म जागृति की जाए, तो ऐसा कैसे हो गया? और उसी दुख में क्या हुआ? दुख की जो अवस्था बढ़ती गई, तो हम कहते हैं ना, दुख थे विरह उपजे विरहे प्रेम इश्क। कौन सा वाला दुख? जिस दुख से हम राज्य की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा वाला दुख। दुनिया में कोई चीज नहीं मिल रही और दुख हो रहा है, उससे राज्य नहीं मिलते, राज्य के ही ना मिलने का दुख होना चाहिए, उससे राज्य मिलते हैं। तो अब वहां पर दुख से विरह और विरह से प्रेम अपनी चरम उत्कर्ष अवस्था पर पहुंची है। तो वहां लगभग 6 महीने से अधिक होता है। मिहिर राज जी भोजन इत्यादि पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। शरीर सूख रहा है, सूख करके कांटे के समान हुआ है। सिर में जो भी मांस वगैरह लगे हुए हैं वो सब भी सूख रहा है। शरीर पूरा पीला पड़ गया है धीरे धीरे। और अवस्था कैसी आई है? वाणी कहती है, हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल विरह अगिन, मांस मेद लोहू रंगा, याविध होत हवन। हड्डियां सब लकड़ी की तरह हो गई है, सूख गई है। सिर जो है वो सूखे नारियल के समान छोटा सा हो गया है। और ऐसे में क्या कहते हैं? मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो।
अब मिहिरराज जी का एक बार को तो तन ही छूट जाता है, तन वहां पर पड़ा हुआ है। और इतने में ऐसे में उनको उनकी आत्मा को युगल स्वरूप का दर्शन होता है। अब उन्हें पूर्ण पहचान कैसे होती है राज्य की, कि कभी तो उस सिंहासन पर राज्य श्यामा जी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी श्यामा जी की जगह पर देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं, कभी राज्य श्यामा जी दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और केवल देवचंद्र जी दिखाई पड़ते हैं। जब इस तरह से देखते हैं तो उन्हें पूर्ण पहचान होती है कि मैंने श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पूरी पहचान नहीं की थी, राज्य श्यामा जी सब यही हैं। तो यही भाव बाद में कीर्तन के रूप में प्रकट होता है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रूम में याद कर कर जो मारे हित के बाद। तो ये बाद में प्रकरण अवतरित हुआ, अभी तो युगल स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होते हैं और हृदय में युगल स्वरूप के विराजमान होने के पश्चात अब उनके द्वारा वाणी का अवतरण होने लगता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, वह ब्रह्मवाणी जो हम सबकी आत्म जागृति के लिए आई है उसका अवतरण होने लगा। सबसे पहले कौन सी चौपाई अवतरित हुई है, हवे पहला मोह जल्दी कहो बात नहीं, ये जो रास के प्रारंभिक पांच प्रकरण है ये तो उतरते हैं दीप बंदर में। सबसे पहले अवतरित हुआ श्यामा जी का श्रृंगार, जो कि रास ग्रंथ में वर्णित है, वो ठाकुरानी जी का श्रृंगार, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे। और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन पहले हुआ, फिर राज जी का श्रृंगार, फिर सुंदर सात का श्रृंगार, उसके बाद में कई रास की रामते भी वहां पर अवतरित हुई। और अब वहां जब रास की रामतों का अवतरण हो रहा था तो सांवल्य ठाकुर जो कि उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने मिहिरराज जी की अवस्था पहले देखी थी कि विरह में कैसे तड़पे हैं, और वो तो देख ही रहे थे। साथ में जिस जोश के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण हो रहा था वो उन्होंने देखा। रास का अवतरण होते होते उनको रास की लीला की अनुभूति होने लगी। जिन रामतों का वर्णन करते थे उनकी आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ती थी, कभी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कभी सखियों के नृत्य करने की पायलों की मधुर झनकार सुनाई पड़ रही है। तो इस तरह से सांवल्य ठाकुर को इस बात का अनुभव हो गया कि ये केवल मेरा छोटा भाई नहीं है, इनमें तो कोई दिव्य शक्ति है। और धीरे धीरे करके चर्चा सुनते सुनते, ब्रह्मवाणी सुनते सुनते उन्हें अब श्रीजी साहेब की पहचान होती है। मैंने पहली बार उन्हें श्रीजी साहेब कहा, क्यों? क्योंकि इससे पहले वो मिहिर राज हैं, पर अब वो श्रीजी हैं, अब वो प्राणनाथ है, क्योंकि अब उनके हृदय में कौन विराजमान हुआ है, प्राणनाथ, श्रीजी, राज जी, ये सभी एक हैं। मिहिर राज अलग है, इंद्रावती और महामती एक हैं, और लेकिन हमारा समाज प्राणनाथ कहते हुए भी एक ही समझता है, महामती श्री प्राणनाथ कहता है। हमारे समाज के कई लोग कहते हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1675 में हुआ था। नहीं, जन्म किसका हुआ, मिहिर राज जी का, वो भी नाम तो बाद में मिहिर राज रखा गया। वो जिस तन का जन्म हुआ उसका नाम मिहिर राज रखा गया है, जिसमें जीव कौन सा है, बोलचाल की भाषा में मरु का जीव कहते हैं। मरु का जीव भी क्यों कहें, क्योंकि उसके अलावा और कोई नाम पता ही नहीं है। मरु नाम के रूप, राजा के रूप में जन्म लेने से पहले भी कई जन्म उन्होंने लिए होंगे पर उसके बारे में पता नहीं, इसलिए मरु का ही कहते हैं हम। तो मरु का जो जीव है, मिहिर राज का तन है, इंद्रावती जी की आत्मा है, और पांचों शक्ति जब विराजमान होती है उस तन में तब उनको महामती की शोभा मिलती है। ये महामती की शोभा किसकी है, राज्य की शोभा महामती की नहीं है, क्योंकि महामती की शोभा में राज्य के साथ साथ श्यामा जी भी हैं, अक्षर की सुरता भी है, अशराफिल जबराइल जो ज्ञान जागृत बुद्धि और जोश का फरिश्ता भी है। तो पांचों मिलकर के जो शोभा है वो इंद्रावती जी की शोभा है महामती।
राज्जी हैं प्राणनाथ और श्री जी एक ही हैं। श्री जी का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है जो अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी है। जी तो जो सम्मान सूचक शब्द है, श्री जो है वो परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। तो श्री जी का अर्थ हो गया अक्षरातीत। कई बार लोग बाग कहते हैं कि श्री जी जो है वो अक्षरातीत के लिए नहीं कहा गया है, श्री जी परम धाम में नहीं है, परम धाम वाले को वाणी में कहीं पर श्री जी नहीं कहा है, श्री जी तो मिहिर राज जी को कहा जाता है, ऐसा कई बार कहते हैं। आप देखिए वाणी क्या कहती है। जसिया सखी कहते हैं, श्री श्री जी ने चरण बसाए जसिया हम जी गाए, थोड़े दिन माँ चौदह लोके आनिद प्रगट था। ठीक है, यहाँ श्री जी पांचवें दिन की लीला करने वाले स्वरूप को कहा, लेकिन वाणी कहती है श्री जी ना वचन में विचारिया निध लीधी वचनों ने सार। उसमें इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैंने श्री जी के शब्दों पर विचार किया और उन शब्दों पर विचार करके मैंने परम धाम की निधि को लिया। यहाँ श्री जी किसको कहा जा रहा है? देवचंद्र जी को। लई तारतम अजवालु सार वली श्री जी आव्या आवार। तारतम लेकर के राजी, तारतम लेकर के श्री जी दोबारा आए। तो पहली बार श्री जी, दोबारा श्री जी, मतलब जो दो बार आने वाले कौन है? वो है राजी। तो तीनों अलग अलग शक्ति के लिए श्रीजी शब्द का प्रयोग किया है। मूल स्वरूप राज्य के लिए भी श्रीजी, देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज्य के लिए भी, और मिहिर राज्य के इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान राज्य के लिए भी। और जहां तक मुझे याद है पूरी वाणी में तीन ही चौपाई है श्रीजी शब्द वाली, जिसमें तीनों में अलग अलग शक्ति। इसी तरह से प्राणनाथ जी कौन है? ब्रज की लीला करने वाला भी कौन है? ब्रज लीला करने वाले राज्य मागा किया राधा भाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। राधा भाई के साथ विवाह नहीं कर सके पर मंगनी हुई थी, वो प्राणनाथ कौन है? जो कृष्ण जी के अंदर विराजमान है। तो उस प्राणनाथ का जन्म कब हुआ है? 1675 में नहीं। रास में लीला करने वाला स्वरूप कौन है? फुंदड़ी मेली ने हाथ चटका सु घाली बात, कंठ बाहोड़ी फरे साथ रामत करे निघात रंगे प्राणनाथ। रास की लीला करने वाला भी प्राणनाथ है। ये सपने के दो ब्रह्मांड और जागनी का तीसरा ब्रह्मांड दिखाने वाला कौन है? वो भी प्राणनाथ है। कहे सुंदर बाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। और समाज के उस वर्ग की बात को मान लिया जाए तो क्या होगा? केवल इस पांचवें दिन लीला करने वाला स्वरूप ही प्राणनाथ होगा, जबकि कहा जा रहा है दो सुपन ए तीसरा दिखाया प्राणनाथ। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? महामती कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ। दो अलग अलग हुए कि नहीं हुए? एक ही चौपाई में। एक है महामती जी जो कह रही हैं और वो कहती हैं कि प्राणनाथ जी की वाणी खोल करके देखो। ठीक है, तो इस तरह से महामती जो है वो इंद्रावती जी की शोभा है। प्राणनाथ और श्रीजी ये अक्षरातीत है। हम उन्हें ही राजजी कहते हैं, उन्हें ही श्रीजी कहते हैं, उन्हें ही प्राणनाथ कहते हैं, उन्हें ही अक्षरातीत कहते हैं। भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं और उन्होंने ही ब्रज में श्री कृष्ण जी के रूप में आकर के लीला की थी। इसलिए तारतम की पहली चौपाई में उनकी पहचान ब्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में किया गया है। नहीं तो इतनी बड़ी जो बात है ब्रह्मवाणी में, कृष्ण जी और श्रीजी साहिब का जो मुद्दा है, परम धाम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहीं पर भी उन्हें कृष्ण शब्द से संबोधित नहीं किया है। हाँ, श्याम शब्द है, लेकिन श्याम शब्द का तात्पर्य केवल कृष्ण नहीं होता है, श्याम भी तो गुणवाचक है। परम धाम में पहली बात तो व्यक्तिवाचक नाम ही नहीं है। जब परम धाम शब्दातीत है तो व्यक्तिवाचक नाम वहां कैसे पहुंचेंगे? परम धाम में न राज्जी शब्द है न कोई भी शब्द है, सारे शब्द तो यहां समझाने के लिए है। परम धाम में ब्रह्मात्माएं
अपने प्रियतम को राज जी कह करके भी नहीं बुलाती हैं, कृष्ण जी कह करके भी नहीं बुलाती हैं, प्राणनाथ कह करके भी नहीं बुलाती हैं। वहाँ पर तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर परम नाम में ब्रह्म सृष्टियाँ अपने प्रियतम को इनमें से किसी भी शब्द से संबोधित करती होगी, इसका मतलब परम नाम में संस्कृत भाषा है कि नहीं? राज जो शब्द है वो तो संस्कृत भाषा का हुआ ना, अक्षरातीत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का हुआ, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि परम नाम में संस्कृत भाषा है। जबकि परम नाम भाषाएं कहाँ से उत्पन्न हुई है? भाषाओं की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं वाणी हमारी कहती है इश्क आगे चल गया शब्द समाना शून्य, शब्द तो शून्य तक ही समा जाते हैं जब वहाँ कोई शब्द ही नहीं है। एक तरफ पुराण संहिता कहती है अमात्रम शब्द रहितम स्वर व्यंजन वर्जितम बिंदु नाद कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उधारितम, तो वहाँ तक तो कुछ भी नहीं पहुँचता और हम झगड़ रहे हैं कि नहीं ये वाला नाम परम नाम में, वो वाला नाम परम नाम, कोई परम नाम में नाम नहीं। यहाँ केवल समझने के लिए यदि आप परम नाम वाले स्वरूप का भाव लेते हैं, श्रृंगार आपको पता है ना राज जी का, वो वाला भाव लेते हैं किशोर स्वरूप वाला जो मूल मिलाव में अभी विराजमान है, और उस भाव को लेकर के यदि आप प्रेम से उसे कृष्ण जी कहते हैं तो कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। क्या अर्थ है इसमें? कृष्ण का अर्थ होता है जो आकर्षण करने वाला है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। तो क्या राज जी सबको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते? तो वो कृष्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहाँ होती है, समस्या कहाँ होती है? जब आप जयकारा लगाते हैं वहीं से आप अपने ही सिद्धांत को खंडित करते हैं। जब आप कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कन्हैया जो है वो परम नाम वाला नहीं है। कन्हैया किसने किसको कहा? माता यशोदा ने या ब्रज की गोपियों ने? तो किसको कहा? ब्रज वाले स्वरूप को। तो क्या ब्रज वाला स्वरूप परम धाम में है? लाल जो है वो किसका लाल है? नंद बाबा का लाल है। तो क्या नंद लाल परम धाम में है? तो जब आप जयकारा लगाते हैं ना वहीं से आप अपने सिद्धांत की खंडनी करते हैं कि हम तो परम धाम वाले राज्य को श्री कृष्ण कहते हैं, फिर आप जयकारा मत लगाइए। क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाया या तो आप ये कहिए कि श्री कृष्ण अक्षरातीत की जय, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सैद्धांतिक रूप से, लेकिन आप जब कहते हैं कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो कन्हैया और लाल ब्रज वाला स्वरूप है। परम धाम में कन्हैया भी नहीं है, परम धाम में लाल भी नहीं है, क्योंकि अक्षरातीत तो कन्हैया के बन के आने से पहले भी थे, लाल बन के आने से पहले भी थे। इसलिए जैसे आपने जयकारा लगाया आपका सिद्धांत खंडित हो गया। इसी तरह से जब आप मंदिर बनाते हैं, एक और बात प्रसंग चल रहा है तो मैं कह दूं, जब आप मंदिर बनाते हैं मंदिर को कहते हैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, तब भी आप अपने सिद्धांत की खंडनी करते हैं। क्योंकि प्रणामी का मतलब क्या है? प्रणाम करने वाला। तो श्री कृष्ण प्रणामी कौन हुए? कौन हुए? वो तो सुंदर सात को कहा गया ना, श्री कृष्ण प्रणामी का मतलब सुंदर सात हुआ उस शब्द के भाव से। तो मंदिर सुंदर सात का है कि अक्षरातीत का है? आपने कहीं पर ऐसा देखा है कि भक्त के नाम पर मंदिर हो? मंदिर तो आराध्य के नाम का होता है ना। अगर आप श्री कृष्ण मंदिर कहते हैं तब भी आप व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ये श्री कृष्ण प्रणामियों का मंदिर है, विष्णु मंदिर होना चाहिए, वैष्णव मंदिर नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप कई जगह पर सैद्धांतिक रूप से चूक कर रहे होते हैं, और ये भी सैद्धांतिक त्रुटि है कि आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ कहते हैं। स्वामी तो सन्यासी को कहा जाता है, दो तीन जगह पर बीतक में श्रीजी साहब को स्वामी जी कहा कह करके संबोधित किया, लेकिन उन्होंने किया जिनको पहचान नहीं है। हरिद्वार के सन्यासियों ने किया क्योंकि वो खुद सन्यासी एक दूसरे को स्वामी जी कहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने श्री जी को भी यही समझा और स्वामी जी कहा। इसी तरह से एक दो और जगह पर है, एक जगह पर तो श्री जी को स्वामी कृष्णदास लिखा हुआ है, तो क्या वो स्वामी कृष्णदास हो गए? जिन्होंने कहा उनको कितनी पहचान थी वो देखिए, और जिनको पहचान थी उनकी बात तो आप मानते नहीं है। छत्रसाल जी ने पूरी पहचान की और कहा पूर्ण ब्रह्म
ब्रह्म से न्यारे, आप उनकी बात नहीं मानते। छत्रसाल जी ने कहा कि श्री ठकुरानी जी साथ संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मातवर, आप उनकी बात नहीं मानते। और किसी ने कह दिया जिनको श्री जी के स्वरूप की कोई पहचान ही नहीं, उसने कह दिया कि स्वामी जी तो आप मान बैठे कि नहीं, उनको तो बीतक में स्वामी जी कहा है, तो अब हम क्या माने, आपको कितना बुद्धिमान माना जाए। आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय मत दीजिए, आप केवल वाणी में जो कहा है, वितक में जो कहा है उतना ही माने, तो आपकी बुद्धि के लिए भी सही रहेगा और आपकी आत्म जागृति के लिए भी सही रहेगा। अब यहाँ से हम मिहिरराज न कहते हुए आगे उन्हें श्री जी अथवा प्राणनाथ जैसे शब्दों से संबोधित करेंगे। अब यहाँ पर वाणी के अवतरण होने की घटना को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले रास की वाणी का अवतरण हुआ है, जिसको कते परंपरा में अंजिल कहा गया है। अंजिल क्यों कहा गया है? अंजिल जो है वो बाइबल के लिए प्रयोग होता है। रास बाइबल नहीं है, पर बाइबल में परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहा गया है। द गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। तो जब बाइबल में परमात्मा को प्रेम का स्वरूप कहा है और रास क्या है, प्रेम की लीला, इसीलिए उसको अंजिल शब्द से संबोधित किया गया है। और उसके बाद रास की वाणी के पश्चात जंबूर अर्थात प्रकाश की वाणी वहां पर अवतरित होती है। जैसे जैसे चौपाइयां अवतरित होती है, उत्तम बाई अथवा उद्धव जी लिखते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की मान्यताएं प्रचलित है, और इस मान्यता को मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात गलत भी हो, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से इस बात को रख रहा हूँ। एक जो मान्यता है वो ये कहती है कि दीवार पर कोयले से लिखी गई थी उद्धव जी के द्वारा, और दूसरी मान्यता है वो ये कहती है कि नहीं, कोयले से इतनी सारी चौपाइयों का लिखा जाना संभव नहीं है। पर मैं भी इस दूसरी मान्यता का पक्षधर हूँ, इसीलिए क्योंकि सोचिए चौपाइयाँ कितनी सारी अवतरित हुई है हफ्से में, हफ्सा या प्रबोधपुरी उस घर में रास की ही, अगर पहले के 5 प्रकरणों को हटा दिया जाए तब भी लगभग 700 से ज़्यादा चौपाइयाँ हैं। आप अगर लिखने लगे तो यहाँ पर आप 700 चौपाइयाँ लिखेंगे तो कितनी जगह लगेगी। अब ऐसा तो नहीं कि दीवार में ऊपर तक चढ़ करके लिख लेंगे, ऐसा तो नहीं है, जहाँ तक हाथ जाएगा उतना ही लिखेंगे। तो 700 चौपाइयों को लिखना तो वो मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है, संभावना नहीं लगती है। और वो भी केवल रास की बात कर रहा हूँ मैं, प्रकाश में भी लगभग 1000 के आसपास चौपाई है, तो कितनी चौपाई होगी, 1700। फिर खटृतु की वाणी है, खटृतु में तो और लंबी चौपाई है, भले ही चौपाई थोड़ी कम है पर उसमें भी लंबी चौपाई है। तो मान करके चलिए कि 2000 के आसपास चौपाइयाँ जो अवतरित हुई हैं उसको कोयले के द्वारा घर में लिखना संभव नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि घर पर ही नज़रबंद किया गया था, तो घर में कागज इत्यादि की तो व्यवस्था होती ही होगी, जो भी है, क्योंकि मंत्री का घर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चौपाइयाँ उन्होंने दीवार पे लिखी होगी जो अचानक से पहले प्रारंभ में अवतरित होना प्रारंभ हुआ, उसके बाद फिर जब कागज वगैरह की व्यवस्था हुई है, क्योंकि एक ही रात की तो या एक ही दिन की एक साथ की तो बात नहीं होगी है, तो जैसे जैसे कागज की व्यवस्था हुई होगी उन्होंने फिर कागज पर लेखनी से लिखी होगी, ऐसा मेरा मन कहता है। बाकी आपकी अपनी बुद्धि के हिसाब से जो आपको मान करके चलना है आप चल सकते हैं, क्योंकि इससे आत्म जागृति पर कोई लाभ या हानि तो होने वाला नहीं है। वाणी अवतरित हुई, कहाँ पर लिखी गई उसको जानेंगे तब भी कोई लाभ नहीं है, और नहीं जानेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। पर बौद्धिक दृष्टि से समझने पर मुझे लगता है कि दीवार पर पूरी चौपाइयाँ लिख पाना संभव नहीं है। तो इस तरह से रास, प्रकाश, खटृतु और कलश के बीज रूप में 2 चौपाइयाँ वहाँ पर अवतरित हुई हैं। और फिर जब दीप बंदर गए थे, दीप बंदर में रास के प्रारंभ के 5 प्रकरण भी अवतरित हुई है,
दीप बंदर में ही बेहद वाणी भी अवतरित हुई है, प्रकाश गुजराती वाली। रास की कुछ रामतें मेरता में अवतरित होती हैं, कुछ रामतों का अवतरण मेरता में होता है। तो रास प्रकाश कटऋतु और कलश हो गया। कलश जो है सूरत में पहुंच करके संपूर्ण होता है, कलश गुजराती का जो अवतरण है वो। अब कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी अवतरित होते हैं अनूप शहर में, साथ में सनंद ग्रंथ। किरंतन ग्रंथ का जो अवतरण है वो किसी एक स्थान में नहीं हुआ है, वो भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अवतरित हुई है। किरंतन वाणी नौतनपुरी से लेकर के पन्ना जी तक अवतरित होती ही रहती है भिन्न भिन्न स्थानों में। इसी तरह से किरंतन के बाद खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार इत्यादि जो जिनको हम परम धाम की वाणी कहते हैं वे अवतरित होती हैं पन्ना जी में। कयामतनामा अवतरित होता है चित्रकूट में। अच्छा, सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है रामनगर में बीज रूप में, लेकिन पूरी जो पूरा अवतरण पन्ना जी में पहुँच करके होता है। परम धाम के सातों स्वरूपों का वर्णन, पूरी परिक्रमा के 25 पक्षियों का वर्णन, ये सब पन्ना जी में जाकर के अवतरित होते हैं। तो ये संक्षेप में प्रसंग चल रहा था तो श्री लालदास जी ने पूरी ब्रह्मवाणी के अवतरण को संक्षेप में बता दिया और कहा कि जेति प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामिने वास्ते सय्यन के सुख काज। तो ये पन्ना जी में अवतरित हुए। इस तरह से अब पुनः हवसे की बात कर रहे हैं, जिसको प्रबोधपुरी भी कहा गया है। ये 12 महीने की बीतक है। प्रारंभ में तो विरह में वो तड़पते गए, उसके बाद में फिर युगल स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। ये सभी 1714 में प्रारंभ हुआ था और 1715 तक की ये बीतक है। अब कुतुब खान से सुलह करने के लिए जो मंत्री गए थे वे आते हैं वापस जामनगर। जब अपने महल में पहुंचते हैं तो वहां उनकी जो पत्नियां हैं वो कहती हैं कि आपने मिहिरराज पर इतना जुल्म क्यों किया, एक तो घर भी लूट लिया और इनको नज़रबंद करके बैठाया, और उसमें भी एक वर्ष होने को आया, तुमने ऐसा जुल्म इनके साथ क्यों किया। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके द्वारा कई चमत्कारी घटनाओं को हमने देखा है, कई चमत्कारी लीलाओं को हमने अपने कानों से सुना है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी इनको छोड़ो, इनको सांत्वना दे करके पूरे सम्मान के साथ में यहाँ से इनको विदा करो ताकि इनका मन दुखी ना हो। कहते हैं सीताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन, दे सिरो पाँव घरों पठाओ ए दिलगिर होवे जिन। सिरो पाँव क्या होता है, विशेष रूप से आजकल तो सिख संप्रदाय में, सिख समाज में ये प्रचलित है, सिर से लेकर के पाँव तक के जितने भी वस्त्र आभूषण इत्यादि होते हैं उनको दिया जाता है, ये सम्मान का प्रतीक होता है। सिरोपाव बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, तो इस तरह से सम्मान दे करके घर भेजने की बात की जाती है। अब तुरंत ही वजीर जो है वो मिहिरराज जी को भाइयों सहित तो बुलाते हैं और जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई थी उसको लिख करके तैयार किया जा चुका है। मंत्री वहाँ से तीनों को विदा करते हैं। वहाँ से विदा लेकर के अब श्रीजी साहेब बिहारी जी के चरणों में पहुँचते हैं और ब्रह्मवाणी उन्हें सौंपते हैं। उन्होंने वाणी देखी कि क्योंकि वो तो मिहिरराज जी के रूप में ही देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि मिहिरराज के द्वारा ये सब अवतरित हुआ है। सुंदर साथ ने देखा कि ये तो राज्य की बड़ी मेहर है हम सब पर, और बिहारी जी इसको क्या देख रहे हैं कि अगर ये सुंदर साहब के बीच में गया तो क्या होगा। जैसे अभी 2 दिन पहले की चर्चा में हमने खटऋतु का दृष्टांत सुना था कि खटऋतु की वाणी में इंद्रावती जी कहते हैं कि राज्य को मैंने अपने वश में कर लिया है। बिहारी जी क्या सोच रहे उसको पढ़ करके कि अगर राज्य मिहिरराज के वश में हो गए हैं तो मैं कौन हूं। इस तरह से उनको लगा कि यदि सुंदर साथ के बीच ये वाणी चली गई, सुंदर साथ इसको मानने लग गए तो मेरी गादी को खतरा होगा। उन्हें हमेशा क्या दिखता है, गादी।
तो इसलिए अब वो तो चौंक गए खट्री तू को पढ़ करके। तो फिर कहते हैं कि मन ही मन सोचा कि इस वाणी को मैं जाहिर तो नहीं होने दूंगा। कहते हैं कि मिहिरराज तुम्हें इतना विरह करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो इसी शहर में बैठा था, कभी भी तुम मुझसे मिल सकते थे, कभी भी मुझ तक संदेशा पहुंचा सकते थे, मेरे लिए इतना विरह करने का क्या विरह करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे द्वारा किए गए विरह ने मुझे कितना दुख पहुंचाया है तुम सोच सकते हो। इस तरह से उन्होंने बहकी बहकी सी बात की। फिर कहते हैं कि ये जो तुमने कविताएं लिखी उसको तो तुम रहने ही दो, क्योंकि सद्गुरु महाराज ने तो कभी ऐसा नहीं किया था, उन्होंने किसी तरह की कविता की रचना नहीं की थी, तो इसको तुम रहने दो। हमारा जो मार्ग है वो ऐसा नहीं है, हमारा मार्ग है सुंदर साथ को कथा सुनाना, चर्चा सुनाना, तो इसको तुम रहने दो। अब हुआ क्या, श्री लालदास जी कहते हैं बानी वहाँ न पसरी वह शरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन। बिहारी जी महाराज की कृपा से सुंदर सात वाणी नहीं सुन पाए। वो तो इंतजार में थे कि बिहारी जी महाराज पढ़ लेंगे तो हमें भी जानने को मिलेगा, क्योंकि उन तक तो बात पहुंच गई थी सब तक कि इस तरह से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है राज्य की कृपा से, लेकिन सुंदर सात नहीं सुन पाए। अब श्री जी ने सोचा कि यहाँ रहेंगे तो बिहारी जी कहीं ना कहीं हर मामलों में हस्तक्षेप करते रहेंगे, उनको डर भी बना रहेगा, इससे अच्छा ये कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब वहाँ से वो निकलते हैं, बिहारी जी से अनुमति लेते हैं, क्योंकि श्री जी को जब सिरोपाव पहना करके विदा किया जा रहा था तो पहले ही जो दरबारी का काम तो कर ही रहे थे, सचिव का काम कर ही रहे थे, जब निर्दोष साबित हुए तो वो सब चीज़ उन्हें दी गई, वो पद भी उन्हें दिया गया और राजा के तरफ से जूनागढ़ में गांव बसाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया। गांव बसाने का मतलब क्या है कि पहले तो जनसंख्या कम थी तो जहां थोड़ी अच्छी जगह दिखती थी वहां पर लोगों को बसाया जाता था, दुर्गम जगह से लोगों को ले जाना बसाना वहाँ की व्यवस्था को देखना, तो ये जिम्मेदारी उन पर दी गई। विक्रम संवत 1716 में वे जाते हैं जूनागढ़ और वहाँ लगभग 2 वर्ष तक रहते हैं, 16, 17 और 18 तक वहाँ रहते हैं। वहाँ की घटना को संक्षेप में कह रहे हैं, आगे 2 वर्ष की पूरी भी तक तो नहीं बता सकते, तो वहाँ की एक विशेष घटना है जिसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ कानजी भाई रह रहे थे जो श्री जी के साथ रह करके पहले सेवा करते थे, वो सुंदर साथ रहते हैं। श्री जी उनके पास पहुंचे हैं। अब कानजी भाई क्या कर रहे हैं जूनागढ़ में, वहां एक पंडित हैं ज्ञानी जिनका नाम है हरजी व्यास, उनके यहाँ नौकरी करते हैं। क्या करते हैं, नौकरी, पहले कर रहे थे सेवा। अब हरजी व्यास एक ऐसा ब्राह्मण है जिनको ज्ञान का अहंकार है, और ऐसा वैसा अहंकार नहीं, इतना अहंकार कि जो ये कहता है कि जिसको मैंने आज तक ना कहा है उसे हाँ कहने वाला कोई नहीं है, और जिसको मैंने हाँ कहा है उसे ना कहने वाला कोई नहीं है। ये जो जलन है, ये जो पीड़ा है, इस बात की मैं लेकर के इस संसार से जा रहा हूँ। पर जाते जाते, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि अंतिम समय है, अंतिम समय में क्या होता है, जो पौराणिक लोग हैं वो पलंग पर से नीचे उतार देते हैं और उस व्यक्ति के नाम पर पिंडदान इत्यादि करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, तो ये मान्यता प्रचलित है कि रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है और वैतरणी नदी को पार कराने के लिए एकमात्र उपाय क्या है, गाय का दान देना है किसी पंडित को। तो उस वैतरणी नदी में डूबते हुए क्या होगा, गाय की पूंछ पकड़ करके जा सकेंगे। गाय नहीं डूबती है, गाय भी तो डूबती है, या गाय कौन सा स्विमिंग चैंपियन तो नहीं है, ठीक है। खैर, तो गाय का दान दिया जाता है और इसके साथ साथ में क्या क्या दान दी जाती है, जो जो भी वस्तुएं, जो जो भी सुविधाएं आपको स्वर्ग के रास्ते पर चाहिए
वो सारी आवश्यक वस्तुएं आप यहाँ पंडित को दो, पंडित आपको वहाँ पहुँचा देंगे। जैसे हवाले का पैसा पहुँचाया जाता है ना, कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि यहाँ से पैसा दिया वहाँ पर पहुँचाया गया। जबकि वास्तविकता क्या है, वैतरणी नाम की ऐसी कोई नदी नहीं है। देखिए भवसागर ही वैतरणी नदी है और इसको पार करना है तो ये गाय दान देकर के नहीं होगा, गाय जैसा बनना पड़ेगा, सरल। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा होता है तो बोलते हैं ना कि ये तो गाय है, गाय, ठीक है, तो गाय जैसा सरल बनना पड़ेगा। गाय की पूंछ पकड़ करके आप पार नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि पंडित जी के पास में ये सिस्टम कहाँ से आ गया कि वो आपके पास पहुँचा देंगे, ये डिलीवरी सिस्टम है, आज किस तरह से पहुँचाया जाएगा, कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं। और दूसरी बात कि आप तो मर करके जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर से, और जो गाय आपके लिए दी जाती है वो तो पंडित के घर में पंडित जी और उनका परिवार उस गाय का दूध पी करके चल रहा होता है, तो आप तो कौन सी वाली गाय पहुंचेगी, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि गाय तो स्थूल रूप से यहीं पर है, मरी नहीं है कि सूक्ष्म रूप से आप तक पहुँचाई जाए। आपको वहाँ पर रास्ते में अगर सर्दी लगती है, गर्मी लगती है या धूप लगती है तो छतरी वगैरह दिया जाता है। और एक तरफ यही पंडित कहते हैं कि आत्मा को न पानी भिगो सकती है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्ले दयंत्यापो न सोसयती मारुत। जब पानी भिगो नहीं सकती है तो डूबो कैसे सकती है, धूप कैसे लग जाएगी आत्मा को, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम बनाया हुआ है ये तथाकथित ब्राह्मणों ने केवल अपनी जीविका चलाने के लिए बना रखा है। ऐसा कोई भी जो सिस्टम है वो चारों वेद, एकादश उपनिषद, छह दर्शन आदि में नहीं है। गरुड़ पुराण में जरूर इसकी बात की गई है, लेकिन गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि ये जो दान इत्यादि कराया जाता है ना ये पापियों के लिए है, ऐसा बोला गया है। अब जो अपने माता पिता के नाम पर ये पिंडदान इत्यादि करते हैं वो या तो अपने माता पिता को पापी मान चुके हैं और या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है गरुड़ पुराण। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, लोगों को आधी बात बताई जाती है और आधी बात बता करके इस तरह से किया जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे, किसी अमीर घर में उनका पहुंचना हुआ इसी तरह से दान कराने के लिए। किसी माताजी का वहां पर देह त्याग हो गया था, दामगमन हो गया था, तो वहां पर पहुंचे। अब दान के लिए वो कहने लग गए कि देखो जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो तो देना जरूरी ही है, लेकिन अगर माता की इच्छा कहीं पर अटकी हुई थी किसी विषय में तो वो भी देना जरूरी है, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा उसके लिए भटकती रहेगी। तो इसलिए माता जहाँ जहाँ भी जो जो भी चीज़ें चाहिए वो दे देना। अब एक कोई भाई था वो थोड़ा भावुक था, उसने कहा कि हमारी माता की इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार सोने की चेन है वो पहने, अब क्या करें पंडित जी। तो बोलते हैं कोई नहीं, मैं पहुँचा दूंगा, आप मुझे दे दो। अब एक जो बेटा था वो थोड़ा अलग तरीके से सोचता था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि पंडित जी माता जी को शुगर था, डायबिटीज, उनको इंजेक्शन लगता रहता था इंसुलिन का, आपको लगवा दें तो आप पहुंचा दीजिएगा उन तक, तो क्या होगा डायबिटीज से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही ऐसा बोला पंडित जी समझ गए कि मैं पकड़ा गया हूं। जब आत्मा के साथ में शरीर का रोग नहीं जा सकता है कि नहीं, तो बाकी चीजें कैसे जा सकती जो स्थूल चीजें हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने घर का जो सोना है वो बचा लिया। आपके पास समय हो तो जब आप यहां से जाएंगे, आजकल सबके पास फोन है, एक कथा है, उस कथा का शीर्षक है प्रायश्चित, इंटरनेट पे सर्च करना और पढ़ लेना, ठीक है, कि प्रायश्चित के नाम पर, मृतक के नाम पर किस तरह से लूटा जाता है। वास्तव में
पहले के जो पंडित थे वो वैसा नहीं करते थे, और आज भी सभी पंडित ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर डर दिखा करके लोगों को ठगते हैं, जिनकी वजह से सभी पंडित बदनाम होते हैं। वास्तव में पहले जो पंडित होते थे, पहले तो पंडित जो है वो जन्म से नहीं होता। पंडित किसको कहा जाता था कि जो सबको एक दृष्टि से देखे, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो सबको सभी स्त्रियों को माता के समान देखे, पराय स्त्री को और पराय धन को मिट्टी के समान समझे और सबको एक समान चेतना के आधार पर देखे, उसे पंडित कहा जाता है। लेकिन आज कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है, कुछ एकाध श्लोक याद कर लेता है और उसके बाद वो पंडिताई का काम शुरू करता है। पहले पंडित योग्यता होती थी, पहले पंडित पद होता था, आज पंडित व्यवसाय हो गया है। और ऐसे कई पंडितों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं अपने ही परिवार में किसी की शादी में गया हुआ था, आज से लगभग 3-4 साल पहले। तो वहाँ शादी में जिन पंडित को बुलाया गया था, वो विवाह के जो समय में मंत्र पढ़ा जाता है ना, वेद मंत्र, उन वेद मंत्रों के नाम पर कुछ कुछ श्लोक ऐसे ही पढ़ रहे थे। और उनमें से कुछ श्लोक ऐसे थे, जैसे क्योंकि हमने संस्कृत में पढ़ाई की है तो हमें एक तो या तो बहुत सारे श्लोक याद भी हैं और कई तो ऐसे ही समझ में आते हैं। वो पंचतंत्र का श्लोक बोल रहे थे। मान लीजिए कि विवाह से संबंधित कोई मंत्र हो तो समझ में आए, वेद मंत्र हो तो समझ में आए, लेकिन पंचतंत्र के श्लोक ऐसे ही, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है? सिर्फ लोगों की नहीं है, पंडित जी की भी कमी है। और ऐसे पंडितों के कारण, ऐसे ज्ञानियों के कारण धर्म का लोप होता रहता है। आज बहुत सारे ऐसे भी पंडित हैं अच्छे, जो शादी कराते हैं तो हर मंत्र का वो अर्थ खोल करके बताते हैं कि ये वेद का, इस वेद का मंत्र है और इसका अर्थ ऐसा होता है, पति पत्नी के लिए ये प्रतिज्ञा वेद में कराई जा रही है, अगर आप पालन कर सकते तो प्रतिज्ञा लेना वरना मत लेना। इस तरह से वो बहुत अच्छी तरह से बताने वाले भी हैं, लेकिन कुछ ठग भी हैं और कुछ ठग की वजह से सभी लोग उसी एक ही दायरे में आ जाते हैं, सब लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो अब यहाँ पर उसी गरुड़ पुराण के आधार पर दान कराया जा रहा था। अब सोचिए कि हरिजी व्यास अपने समय का इतना बड़ा पंडित, लेकिन उनको भी पता है कि दान नहीं कराना है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना दान कराने की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन। पिंड दान तो यमपुरी का साधन है। आज हमारे सुंदर साथ में भी, प्रणामी समाज में हमारे सुंदर साथ में पिंड दान कराया जाता, कहते हैं कि नहीं ये तो धर्म है, ये सनातन परंपरा है। भाई सनातन परंपरा को आपने ढंग से समझा नहीं, न वितक को समझा। कम से कम वितक को समझ जाते तब भी, हरिजी व्यास जिनको तारतम ज्ञान नहीं है, जिनको सभी पुराणों का ज्ञान है तभी वो व्यास है, जो खुद पुराण सुना करके कई बार लोगों से दान करवाया होगा, वो खुद अपने लिए मना कर रहे हैं कि नहीं मेरे लिए दान मत कराना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये गलत है। तो इसीलिए उन्होंने मना किया। फिर साथ में कहा कि दो बात की दाज में लेके जा रहा हूँ, जिसको मैंने हाँ कहा उसको कोई ना कहने वाला नहीं हुआ, और जिसको मैंने ना कहा उसको हाँ कहने वाला भी कोई नहीं हुआ। अब जब कान्हजी भाई ने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये जो मैं नहीं इन इंड का कह रहा है तो क्या पता है परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो नहीं है, वो कह रहा है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मुझे यमपुरी नहीं जाना है, स्वर्ग नहीं जाना है, तो ये कहीं ब्रह्म सृष्टि ना हो। उन्होंने ये बात श्री जी के सामने की। श्री जी ने कहा कि ठीक है, तुम उनकी सेवा करो और उन्हें जीवित करो, और जब वो जीवित रहेंगे तो मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनके सभी संशय को समाप्त करूंगा, और जब मैं उनके संशय को समाप्त करूंगा
और उनके अहंकार को राज्य की कृपा से जब मैं तोड़ूंगा तो तुम वहाँ पर साक्षी रहना, तुम वहाँ पर प्रमाण देना कि हाँ आपने ऐसी बात की थी। तो इस तरह से जब दोनों में आपस में बात होती है, अब किस तरह से कांजी भाई की सेवा से हरजी व्यास पुनः तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कैसे हरजी व्यास के साथ श्री जी की बात होती है, कैसे श्री जी पहले श्रोता भाव से उनके सामने जा कर के विनम्रतापूर्वक भागवत की चर्चा सुनते हैं, किस तरह से उन्हें भागवत के ही प्रश्नों से परास्त करते हैं और किस तरह से उनके घमंड को तोड़ते हैं और आगे किस प्रकार अब जागने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये सारी बीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। जो जीवता ए रहत है कहूं चर्चा के सुकन, सब सके भानो इनकी तुम साख रहियो सयन, तुम साख रहियो सयन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम।